तो गाइज आपका वेलकम है हमारे चैनल में एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम केमिकल फ्री काजल घर में कैसे बना सकते हैं जो कि हम बेबी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए आलमंड्स, देसी घी और एक छोटी डिब्बी जिसके अंदर हम काजल बना के डालेंगे अपना। तो फिर चलिए मैं बताती हूँ आपको हमें कैसे करना है आगे। तो गाइज हमें सबसे पहले जो आलमंड है उसको गैस पे सेक लेना है अच्छे से। इसको मैंने ये लगाया नाइफ के अंदर। अब मैं गैस ऑन करूंगी और इसे अच्छे से जलाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने दोनों बादामों को जो है अच्छे से सेक लिया है। अब उसके बाद इसे मैंने ठंडा कर लिया। अब हमें इसका पाउडर बनाना है तो मैं इसे अच्छे से कूट के इसका पाउडर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसका पाउडर अच्छे से बना लिया है। अब मैं इसको इस डिब्बे में डालूंगी। देख सकते हैं आप इसे सूखा भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा बना है। अब मेरे को इसके अंदर मिलाना है घी। तो गाइस मैं घी में मिक्स कर लूंगी अच्छे से। बाद आप इसको बच्चों के जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं इनके आंखों में भी आप इनको यूज कर सकते हो। बिकॉज ये जो है केमिकल फ्री है तो ये कोई हार्म नहीं करेगा। वैसे और डालूंगी इसमें। आपको एकदम से इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना है वरना फिर ये गीला हो जाएगा तो फिर आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी। आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो गाइस ये हमारा काजल बनकर रेडी हो गया। आप देख सकते हैं ये है होममेड काजल, केमिकल फ्री काजल। तो मैं आपको भी इसको लगा के चेक करवाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको अपने हाथ पे आपको लगा के चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारा काजल जो है बनके रेडी हो गया है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि अपने बेबीज वगैरह के लिए घर में कोई काजल बनाए तो आप बादाम का काजल बना सकते हैं। ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मेन चीज की ये केमिकल फ्री होता है। तो मिलते हैं हम फिर से एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।